तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा लूफी सांची और नामी को लेके डॉक्टर कुरेह के पास जा रहा था, लेकिन वहाँ पे वपुल आ जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड 83 को। लूफी वपुल को इग्नोर करके आगे बढ़े जा रहा था। वपुल लूफी से कह रहा था, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे इग्नोर करेगा? फिर लूफी ने कहा, मेरे रास्ते से हट जा। वपुल कहता है, मैं तेरे रास्ते से हट जाऊं? पागल हो गया क्या? अगर मुझे जाना ही होता तो मैं यहाँ पे आता ही क्यों? लेकिन फिर लूफी ज्यादा कुछ कहता नहीं है और उसको दोबारा इग्नोर करके जाने लगता है। पहले राजाओं के सामने किसी की जुबान नहीं चलती थी, लेकिन अब लूफी जैसा बच्चा वपुल को इग्नोर कर रहा था। तो वपुल अपने साथियों से कहता है, मुझे लगता है एक नया कानून लाना पड़ेगा, जो भी कोई राजा को इग्नोर करेगा वो मारा जाएगा। वो ये बात लूफी को सुनाना चाहता था, लेकिन लूफी अभी भी उसको इग्नोर कर रहा था। वपुल को अब तक बहुत गुस्सा आ चुका था। वो अपने साथियों को कहता है, तुम लोग मुगीवारा को अभी के अभी मार दो। वपुल के चेले लूफी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लूफी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी भी हमले का जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे सांजी से किया वादा याद था। उसके पीठ पे जब तक नामी है तब तक वो लड़ाई नहीं करेगा। वपुल और उसके साथी इस चीज को लूफी की कमजोरी समझते हैं एंड उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लूफी उनके हमले से बार बार बच रहा था, लेकिन जब वो लैंड करता है वो देखते है कि वहाँ पे अब कोई नहीं था। वो नामी और सांजी को लेके आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वपुल का बड़ा समूह उसके सामने आता है एंड वो लूफी के ऊपर हमला कर देता है। वपुल के साथी लूफी के ऊपर हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे दो खरगोश आ जाते हैं और उन दोनों खरगोश ने वपुल के दोनों साथी को मार दिया। हम देखते हैं बड़े खरगोश पे, वो नैना खरगोश था, जिसका मतलब है वो वही खरगोश है जिसकी मदद लूफी ने की थी। वो खरगोश लूफी की मदद करना चाहते हैं क्योंकि लूफी ने थोड़ी देर पहले उनकी मदद की थी। लूफी भी उनको थैंक यू बोल के आगे बढ़ने लगता है। वपुल को ये बात बुरी लग रही थी क्योंकि उसी के देश के खरगोश उसी पे हमला कर रहे थे। वपुल उन्हें देशद्रोही घोषित करता है और वपुल के साथी तैयार थे उन खरगोशों के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे और भी खरगोश आ जाते हैं। दूसरी तरफ लूफी बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ता जा रहा था। पीठ पे उसके नामी और मुंह में उसके सांजी था और अब फाइनली वो पहुँच चुका है उस पहाड़ के आगे जहाँ पे डॉक्टर कुरेह रहती है। लूफी नामी को अपने पीठ पे और कस के बांध लेता है और वो सांजी को अपने मुंह में भर लेता है और वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। सीन शूट होता है प्रिंसेस वीवी पे, जो कि अभी एवलांच से बच के निकली है। वो उस सब को ढूंढ रही थी, तभी उसे उस सोप का नाक दिखता है और वो उसे पकड़ के उसे खींच लेती है। उसे लग रहा था कि उस सोप मर चुका है, तो वो नामी की तरह प्यार से उसे जगाने लगती है। वो इतने प्यार से जगाती कि उस सोप का हाल ऐसा हो चुका था। वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनका पैर किसी चीज से लगता है और वो लोग देखते हैं वहाँ पे जोरो था। तो अब फाइनली प्रिंसेस वीवी उस सोप और जोरो अब साथ में है। जोरो उस सोप को देखता है, फिर उस सोप जोरो को देखता है, फिर अगेन जोरो उस सोप को देखता है, फिर उसकी नजर उस सोप के नाक पे जाती है जिससे वो समझ चुका था कि ये उस सोप है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वपुल ने सभी खरगोशों को मार दिया है और वो अब लूफी से बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लूफी अपनी पूरी जान से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद लूफी के मुंह से सांजी गिर जाता है। लूफी बिना टाइम वेस्ट किए अपने गले को बढ़ाता है और सांजी को दोबारा पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है जोरो पे, वो देख रहे सामने एक गाँव है। प्रिंसेस वीवी समझ चुकी थी ये वही गांव है जहाँ पे वो लोग पहली बार आए थे। वो देखते हैं वो गांव बर्फ में डूबा हुआ था। वहाँ पे वो लोग जाने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पे सुरक्षा दल का एक आदमी कह रहा था, ये बात मान लो डाल्टन अब नहीं रहा और वैसे भी अब राजा वपुल आ चुके हैं, डाल्टन इस बर्फ के नीचे कहीं पे दबा होगा बेचारा। तो अब अपने कान खोल के सुन लो, तुम लोगों का एक ही राजा है और वो है राजा वपुल, और अगर किसी को उनकी हुकूमत से परेशानी है तो दम है तो सामने आओ। जोरो अभी वहाँ पे पहुँचा था। उसने देखा कि वो लोग वही हैं जिन्होंने वीवी के ऊपर गोली चलाई थी, तो जोरो बिना कुछ सोचे समझे उनके ऊपर हमला कर देता है। उसने एक को मार के उसकी जैकेट ले ली थी क्योंकि उसे ठंड लग रहा था। उस बंदे के साथ ही जोरो के ऊपर हमला करना चाह रहे थे। जोरो कहता है, तुम लोग अभी भी नहीं समझे। और जब सामने वाले जोरो पे हमला कर रहे थे, जोरो वहाँ पे जाता है और उनसे उनकी तलवारें ले लेता है। तो हाँ, अब जोरो के पास 3 तलवारें हैं, तो पता है तुम्हें क्या होने वाला है। जोरो एक ही बार में सबको खत्म कर देता है। वहाँ पे खड़े सभी गांव वाले इस चीज को देख के हैरान थे, यहाँ तक कि प्रिंसेस वीवी भी। उसको कह रहा था, शाबाश, जैसे मैंने कहा वैसे किया तुमने जोरो। वो ऐसा सबके अटेंशन लेने के लिए कर रहा था, लेकिन बाकी सारे लोग बर्फ में फंसे डाल्टन को ढूंढ रहे थे। उसको पर वीवी भी इस काम में लग जाते हैं। हम देखते हैं लूफी अभी भी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। ठंड की वजह से लूफी का पूरा शरीर लाल हो चुका था। लूफी को पहाड़ की चोटी बहुत करीब दिख रही थी और वो अपनी पूरी जान से ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसका हाथ फिसलता है एंड वो नीचे की तरफ गिरने लगता है।
हैं। उसके हाथ और पैर घिसने लगते हैं एंड उसमें से खून आने लगता है। लूफी बहुत दर्द में था लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके अपने आप को संभालता है। वो हार नहीं मानता एंड वो दोबारा पहाड़ पे चढ़ने लगता है। उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि वो कितने दर्द में है लेकिन फिर भी बहुत सारी कोशिशों के बाद वो फाइनली ऊपर पहुंच जाता है। वो सबसे पहले नामी और सांजी को जमीन पर रखता है। लूफी पहले बहुत चीजें सह चुका था और अब वो बेहोश हो जाता है। वो जहाँ पे गिरा था वो बिल्कुल कोना था और अब वहाँ की बर्फ कट के गिरने लगती है। लूफी और सब वहाँ से गिरने वाले थे लेकिन तभी लूफी का हाथ एक बड़ा सा जानवर पकड़ लेता है और वो लूफी को गिरने से बचा लेता है। और हम देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर कुरेहा थी और वो जानवर कोई और नहीं अपना चॉपर था। तो अब अपना लूफी नामी को फाइनली डॉक्टर कुरेहा के पास ला चुका है और फिर यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब आगे क्या होने वाला है वो सब आगे आने वाले एपिसोड में पता चलते रहेगा। आखिर ये चॉपर है कौन? मेरा यकीन मानो वन पीस का सफर अब और मजेदार होने वाला है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। तो चलो अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।